और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर अनूपपुर पहुंचे, जहां वे भाजपा प्रत्याशी हिमाद्री सिंह के साथ नामांकन दाखिल करने के दौरान पहुंचे हैं और इस दौरान उन्होंने हिमाद्री सिंह के पक्ष में प्रचार भी किया है। वहीं विशाल सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री तोमर ने कहा कि हिमाद्री सिंह कांग्रेस परिवार की बेटी हैं और भाजपा परिवार की बहू है, इसलिए दोनों दलों का दायित्व है कि उन्हें भारी मतों से विजय बनाकर लोकसभा में भेजें। देखिए, अभी की जो देश की स्थिति है, केवल ना केवल हमारे संसदीय क्षेत्र की, पूरे देश में हमको ज़रूरत है कि एक मजबूत नेतृत्व होना चाहिए सुरक्षा को लेके, देश समृद्धि को लेके, विकास को लेकर के, ये हमारे अहम मुद्दे रहेंगे। देखिए, जैसा आपने बताया कि हमारे पिताजी और माताजी दोनों ने ही इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है और मेरे पिताजी तो इस क्षेत्र के, पूरे शहडोल संसदीय क्षेत्र के विकास पुरुष के नाम से जाने जाते थे। तो मुझे ऐसा लगता है जो आज की देश की जो समय है, जैसा आज एटमॉस्फेयर है, वातावरण है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी में, भारतीय जनता पार्टी में वो क्षमता है एक नए समृद्ध भारत की, विकास की। देखिए, अब अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे अभी हम जब जाएंगे, समस्याएं हर तरह की, हर जगह की अलग अलग हैं। कहीं पानी की समस्याएं होंगी, कहीं रोड की समस्याएं होंगी, कहीं हॉस्पिटल की, स्कूल्स के, तो जैसी जैसी समस्याएं आएंगी तो शहडोल लोकसभा क्षेत्र में हमारी पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती हिमाद्री सिंह का नामांकन का अवसर था। मैं उनके नामांकन के अवसर पर ही यहाँ उपस्थित हुआ, यहाँ सभा भी हुई और जुलूस का भी आयोजन था, तत्पश्चात नामांकन भरा गया। आज इस पूरे कार्यक्रम में सुबह से लेकर और अभी तक जो कार्यकर्ताओं का जोश और उत्साह और जनता का रिस्पांस दिखाई दे रहा है, उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी शहडोल लोकसभा क्षेत्र में भारी मतों से विजयी होगी और हम देशभक्ति नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पहले से अधिक सुविधा लेकर सरकार बनाने में।